नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री पहुंचे भागलपुर। राजद और कांग्रेस दोनों पार्टियों पर साधा निशाना। बिहार सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री नीरज कुमार बबलू तारापुर उपचुनाव के लिए जाने के दौरान परिसदन में रुके, जहां पर उन्होंने एनडीए उम्मीदवार की जीत का दावा किया। वहीं उन्होंने मोदी सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव के द्वारा कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास के ऊपर दिए गए बयानों पर उन्होंने क्या कहा, दोनों दलों को आइए सुनते हैं मंत्री जी की जुबानी। देखिए, तारापुर विधानसभा एक फॉर्मेलिटी है चुनाव लड़ने का, क्योंकि वहाँ पर सीट खाली हो गया तो चुनाव फॉर्मेलिटी के तौर पर लड़ा जा रहा है। कहीं जीतने के लिए कोई संघर्ष नहीं हो रहा है, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। जो विरोधी की स्थिति है कि कहीं है ही नहीं। पहले तो कांग्रेस पार्टी से जो स्थिति बनी हुई है यूपीए में, आप देख ही रहे हैं, कांग्रेस और आरजेडी में अपने जिस तरह का चल रहा है, कुतमार चल रहा है, वो पहले आपस में फड़िया ले उसके बाद इधर देखें, कहीं कोई संघर्ष नहीं है। एनडीए भारी मतों से जीतेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का जिस तरह से पूरे देश में काम हो रहा है, जिस तरह से नाम हो रहा है, जिस तरह से कोविड के संकट में उन्होंने काम किया, 100 करोड़ से ऊपर लोगों को वैक्सीन दिया इतना जल्दी, और अनाज इतना गरीबों में दिया गया, तो माननीय मोदी जी के नाम पर सारा वोट एनडीए की तरफ और एकतरफा जीत होगा। लालू जी का एक बयान आया है भक्त चरण दास जी को लेकर। ये लालू जी का ये पुराना स्टाइल है कि बड़े लीडरों को बेइज्जत करना, उनको अपमानित करना, कुछ अनाप शनाप बोल देना आम लोगों को, ये उनका पुराना स्टाइल है। इस चीज़ से बाज नहीं आ रहे हैं। तो बाकी कांग्रेस का मैटर है, कांग्रेस फड़िया कि कौन भक्त चोनर है, इधर आरजेडी वाले भक्त चोनर है कि कांग्रेस वाले भक्त चोनर है, पहले दोनों फड़िया ले फिर इधर बात करेंगे।